हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपिका यादव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कल प्रीवियस क्लास में जो हमने पढ़ा था वो था कि एनाटॉमी ऑफ एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स। ठीक है, उसकी जो हमारे लास्ट जो हमने जहाँ तक कंप्लीट किया था वो था लैबिया माइनोरा और लैबिया मेजोरा में जो हमने डिफरेंस देखा था। सेबेशियस ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जो दोनों में ही प्रेजेंट होती है, यहाँ तक हमने कल लास्ट क्लास में किया था। आज हम इसके आगे जो देखेंगे वो ये है कि वेस्टिब्यूल। ठीक है, हम वेस्टिब्यूल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वेस्टिब्यूल क्या होता है, देखो ये स्क्रीन पर डायग्राम आपको ऑलरेडी दिख रहा है और मैंने कल भी आपको डायग्राम जो दिखाया था मैंने। ट्रायंगुलर एरिया बाउंडेड बाय एंटीरियरली क्लाइटोरिस, साइड से किससे होता है, लैबिया माइनोरा से, साइड से कवर्ड होता है, बाउंडेड होता है, एंड पोस्टीरियरली नीचे की तरफ से फोरशेट से कवर्ड होता है, बाउंडेड होता है। कौन? वेस्टिब्यूल। ठीक है, येलो कलर का पोर्शन था जैसे ये ऊपर, मैं फिर से एक बार दिखाती हूँ आपको डायग्राम। ये देखो, ये जो बीच में येलो पोर्शन है, ये जो बीच में येलो पोर्शन है, ये देखो वेस्टिब्यूल है। इसमें इसमें सिक्स ओपनिंग्स भी हैं एंड इसमें ये देखो आप। ठीक है, तो ये पूरा डायग्राम हो गया, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं आज इसमें हमारे इस क्लास में। तो इट हैज सिक्स ओपनिंग्स, इसके छह ओपनिंग्स होती है। ठीक है, जिसमें देखो ये जो हमारा वेस्टिब्यूल है, स्क्रीन पे जो डायग्राम है उसमें सबसे ऊपर की तरफ क्या है, क्लाइटोरिस है। ये क्लाइटोरिस में जो क्लाइटोरिस की जो अपर वाला ऊपर से जो कवर है उसको हमने क्या बोला था, प्रोफ्यूज, एंड जो नीचे से कवर है वो है फ्रेनुलम। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, और ये जो पूरा कर्व सा जो बना हुआ है, लेयर्स है जो, वो क्या है, लैबिया माइनोरा। ठीक है, अब इसमें सिक्स ओपनिंग्स हैं, इसकी नंबरिंग दी हुई है, जो ऊपर की तरफ जिसमें वन लिखा है वो एक वो हो गई, उसके साइड में टू थ्री, इसके नीचे फिर फोर फाइव सिक्स, ये सिक्स ओपनिंग्स हैं। अब जो वन है, जो जिस मतलब जिस ओपनिंग में मैंने वन लिखा है वो क्या है, यूरेथ्रल ओपनिंग है वो। इसके बाद जो सेकेंड और थर्ड है उसको हम बोलते हैं पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। इसके बाद जो पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड क्या है, लार्जेस्ट स्किनी ग्लैंड। ओके, इसके बाद जो फोर्थ है वो है वेजाइनल ओपनिंग है, जिसको हम इंट्रोइटस भी बोलते हैं। एंड उसके बाद फिफ्थ और सिक्स्थ जो है वो क्या है, ओपनिंग ऑफ बार्थ्रोलिन ग्लैंड। ठीक है, अब इन्हीं के बारे में हम डिटेल्स में इसमें देखेंगे। डिटेल्स में देखो, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड जिसको हम स्किनी ग्लैंड बोलते हैं, ये होमोलोगस है। किसके होमोलोगस है, प्रोस्टेट ग्लैंड के मेल्स में। मेल्स में कौन सी ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, उसके होमोलोगस है ये पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, स्किनी ग्लैंड। ओके, इसके बाद वेजाइनल ओपनिंग, इट इज कवर्ड बाय अ थिन मैम्ब्रेन कॉल्ड एज हाइमेन। जो वेजाइनल ओपनिंग होती है ना, वो कवर्ड होती है एक बहुत ही थिन मैम्ब्रेन से, जिसको हम हाइमेन बोलते हैं। हाइमेन हैज अ ओपनिंग थ्रू विच मेंस्ट्रुअल ब्लड कम्स आउट एवरी मंथ। अब उस हाइमेन जो एक थिन मैम्ब्रेन होती है वेजाइनल ओपनिंग में, ठीक है, अब वो जो हाइमेन होता है उसमें भी एक ओपनिंग होती है जिसके थ्रू मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो होता है एवरी मंथ। बट कभी कभी क्या होता है कि इफ़ देर इज़ नो ओपनिंग इन हाइमेन, अगर हाइमेन जो है उसमें कभी कभी कुछ फीमेल्स में ऐसा देखा गया है या ऐसा हो कि ओपनिंग नहीं है हाइमेन में, तो इस टाइप का जो हाइमेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इम्परफोरेटेड हाइमेन बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल ब्लड नॉट एबल टू कम्स आउट, क्यों, क्योंकि वो ओपनिंग है ही नहीं तो मेंस्ट्रुअल ब्लड भी नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज क्रिप्टोमेनोरिया। इस कंडीशन को क्या बोला है, क्रिप्टोमेनोरिया कंसील्ड मेंसेस। At the time of hymen is ruptured during childbirth, hymen is lacerated and later it is replaced by carunculi myrtiformis. ठीक है, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे क्या होता है कि जो हाइमन होता है वो बिल्कुल पूरी तरह से लेसरेटेड हो जाता है। ठीक है, मतलब बिल्कुल अपनी वो जगह से हट जाता है, बिल्कुल साइड साइड में आ जाता है वो, इस टाइप में। ये था इस हाइमन के बारे में। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है बार्थ्रोलिन ग्लैंड। बार्थ्रोलिन ग्लैंड के बारे में, इसके साइज के बारे में, साइज कितना होता है, पी साइज्ड ग्लैंड होते हैं। एक पी मटर जो होता है ना, उसका कितना साइज होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी साइज के ये ग्लैंड्स होते हैं। कितने होते हैं, दो होते हैं। इसका डायग्राम देखो, ये रहा, ये क्या है, ये ऊपर क्या है, बार्थ्रोलिन ग्लैंड, एंड नीचे इसका डक्ट है जो किससे लाइनिंग, इसकी एक लाइनिंग हो रखी है किससे, कॉलमनर एपिथेलियम से। फंक्शंस, एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स इट प्रोड्यूस्ड एल्कलिन म्यूकस विच हेल्प्स इन लुब्रिकेशन। इसका फंक्शन क्या है, इस ग्लैंड, ये जो ग्लैंड है ना बार्थ्रोलिन ग्लैंड, इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन ये है कि इंटरकोर्स करते टाइम ये एल्कलिन म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं जो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है,
अब इसके होमोलोगस की अगर हम बात करें तो फीमेल्स में जैसे देखो बार्थोलिन बार्थोलिन ग्लैंड है जिसको हम एक और नाम से जानते हैं ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, ठीक है। इसका होमोलोगस मेल्स में क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जिसका दूसरा नाम है कॉपर ग्लैंड, ठीक है, ये होमोलोगस है। ओके, इसके बाद डक्ट वेयर डज इट ओपन, इन वेस्टिब्यूल इन द ग्रोव बिटवीन वजाइनल ओपनिंग एंड लैबिया माइनोरा एट द जंक्शन ऑफ एंटीरियर टू थर्ड एंड पोस्टीरियर वन थर्ड। डक्ट की ओपनिंग के बारे में बात करें यहाँ पे, ठीक है, बिटवीन वजाइनल ओपनिंग एंड लैबिया माइनोरा। इसके बाद है इफ द डक्ट ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड गेट्स ब्लॉक्ड, देखो वो जो डक्ट था ना बार्थोलिन ग्लैंड, ये रही जो, ये देखो ये जो बार्थोलिन ग्लैंड है, ये रही इसका जो डक्ट है, ये जो दिख रहा है आपको नीचे डक्ट, अगर मान लो ये जो डक्ट है ये ब्लॉक्ड हो गई है, अगर ये ब्लॉक्ड हो गई है तो फिर क्या होगा, इट फॉर्म्स बार्थोलिन सिस्ट। अगर ये डक्ट ब्लॉक हो गई है तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये क्या बनाएगी, सिस्ट बनाएगी। और वो बार्थोलिन जो सिस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बहुत पेनफुल होते हैं। इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है, लैबिया माइनोरा में इनकी लोकेशन होती है। एंड मोस्ट कॉमन कॉज क्या है इसका, इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन भी किसके वजह से, इकर्शिया कोलाई, ठीक है, ये इसमें थे मेन पॉइंट्स। इसके बाद इसके ब्लड सप्लाई की अगर हम बात करें वुल्वा की, तो किससे होती है, इंटरनल पुडेंडल आर्टरी से इसकी ब्लड सप्लाई होती है। नर्व सप्लाई की अगर बात करें तो पुडेंडल नर्व से नर्व सप्लाई होती है। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो इनग्वेनल लिम्फ नोड, सुपरफिशियली और डीपली दोनों तरह से, ठीक है, इनग्वेनल लिम्फ नोड्स के थ्रू क्या है, लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। ओके, इसके बाद ये एक्स्ट्रा है ये पॉइंट, इसमें इतना नहीं हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो भी हमने कल पढ़ा था आज पढ़ा था उससे रिलेटेड इसमें अब ये MCQs हैं जो हम अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द ट्रायंगुलर स्पेस बाउंडेड एंटीरियरली बाय क्लाइटोरिस एंड पोस्टीरियरली बाय फॉर्शेट इज कॉल्ड, आंसर है वेस्टिब्यूल। बिल्कुल वेस्टिब्यूल, मैंने बताया वो दिखाया था डायग्राम में, येलो कलर का पोर्शन है जिसमें सिक्स ओपनिंग्स हैं, उसी के बारे में बात हो रही है कि जो उसका वो क्वेश्चन क्या है, ट्रायंगुलर स्पेस, वो कौन सा ट्रायंगुलर स्पेस है जो बाउंडेड है एंटी ऊपर की तरफ से क्लाइटोरिस से एंड नीचे की तरफ से फॉर्शेट से, तो वो वेस्टिब्यूल है, ठीक है। इसके बाद है आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर मार्क्ड एक्स इन द फिगर, ये पूरा डायग्राम वही है एंड एक्स मतलब कि नीचे की तरफ, देखो नीचे ऊपर क्लाइटोरिस है एंड नीचे फॉर्शेट है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं MCQs में। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू फॉर्म द प्रिफ्यूज ऑफ क्लाइटोरिस, वो कौन सा ऐसा टिश्यू है जो प्रिफ्यूज बना रहा है क्लाइटोरिस का। देखो बताया था ना क्लाइटोरिस है, ऊपर से क्लाइटोरिस जो कवर हो रही है उसको प्रिफ्यूज बोलते हैं एंड नीचे से जो कवर हो रही है उसको फ्रेनुलम बोलते हैं। तो ऊपर से तो इसमें पूछा है कि वो कौन सा टिश्यू है जो कवर करता है, लैबिया माइनोरा है, साइड से लैबिया माइनोरा ऐसे कवर करती है एंड ऊपर से एंड नीचे से दोनों तरफ से वो कवर करती है किसको, क्लाइटोरिस को, ठीक है। तो वो कौन सा टिश्यू है, लैबिया माइनोरा। फोर्थ क्वेश्चन है लैबिया माइनोरा कंटेंस, अब लैबिया माइनोरा क्या क्या कंटेंस करती है, स्वेट ग्लैंड, हेयर, एपोक्राइन ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड। तो लैबिया माइनोरा कंटेन करती है सिबेशियस ग्लैंड, ये हमने अभी जस्ट स्टार्टिंग में ही मैंने डिफरेंस अभी दिखाया था उसमें था कि लैबिया माइनोरा और लैबिया मेजोरा ये दो ऐसे हैं जिनमें सिबेशियस ग्लैंड जो है वो दोनों में ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ वुल्वा कंटेनिंग सबक्यूटेनियस फैट इज, आंसर है मॉन्स प्यूबिस मॉन्स वेनेरिस। जो एंटीरियर पार्ट है वुल्वा जो है उसका, ये पूरा हमने वुल्वा के बारे में तो पढ़ा है, वुल्वा के पार्ट्स के बारे में, फिर इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा मोस्ट एंटीरियर पार्ट है वुल्वा का जो कंटेन करता है सबक्यूटेनियस फैट, तो वो मॉन्स प्यूबिस है। ओके, तो ये जो हमने अभी तक पढ़ा कल और जो अभी थोड़ा सा जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट किए। इसके बाद जो नेक्स्ट है बात जो हम करेंगे, वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट पेरिनियम। ओके, पेरिनियम के अंदर क्या है, पेल्विक बोन्स। पेल्विक बोन्स में भी देखो दो मतलब टू हिप बोन्स हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, इननोमिनेट बोन्स बोलते हैं, दूसरा है सैक्रम, तीसरा है कोकेक्स, टेल बोन बोलते हैं, ठीक है, टेल बोन। अब हिप बोन्स के भी तीन पार्ट्स होते हैं, प्यूबिस, स्टीम एंड इलियम, ये तीन पार्ट्स हैं किसके, हिप बोन्स के, ठीक है। ये डायग्राम में है, ऊपर जो देखो वो बीच में क्या है, वो जहाँ आपस में जुड़ रहे हैं उस पॉइंट को क्या बोला है, प्यूबिस सिम्फाइसिस, ठीक है। इसके बाद दूसरी तरफ है स्ट्रियल ट्यूबरोसिटी, ये जो साइड में ब्लैक ब्लैक पोर्शन आपको दिख रहा है डायग्राम में। द कैविटी विच लाइज बिटवीन द पैल्विक बोन, उसको हम क्या बोलते हैं, पैल्विक कैविटी, मतलब वो कैविटी जो किसके बीच में है, पैल्विक बोन के बीच में जो कैविटी है उसको हम क्या बोलते हैं, पैल्विक कैविटी बोलते हैं।
इट कंटेन्स फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स, ये लिखा है देखो। और ये क्या कंटेन करता है, फीमेल्स के जेनाइटल ऑर्गन्स कंटेन करते हैं किसमें, पेल्विक कैविटी में, ठीक है। द कैविटी विच लाइज आउटसाइड द पेल्विक बोन इज कॉल्ड पेरिनियम। वो कैविटी जो कहाँ पे सिचुएटेड है, मतलब कहाँ पे लाइज कर रही है, आउटसाइड द पेल्विक बोन, पेल्विक बोन के आउटसाइड, उसको हम बोलते हैं पेरिनियम। एंड इट कंटेन्स फीमेल एक्स्ट्रा जेनाइटल ऑर्गन्स, फीमेल्स के जो एक्स्ट्रा जेनाइटल ऑर्गन्स हैं वो कंटेन करता है कौन, पेरिनियम, ठीक है। पेल्विक कैविटी कंटेन करता है फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन्स को, एंड जो पेरिनियम है वो कंटेन करता है फीमेल के एक्स्ट्रा जेनाइटल ऑर्गन्स को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, पेल्विक कैविटी इज सेपरेटेड फ्रॉम द पेरिनियम बाय पेल्विक फ्लोर। अब जो पेल्विक कैविटी होती है ना, वो सेपरेट होती है पेरिनियम से किसके थ्रू, बाय पेल्विक फ्लोर के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पेरिनियम के बारे में अब हम बात करेंगे, जो फर्स्ट पॉइंट है एनाटॉमिकल पेरिनियम के बारे में, इसकी बाउंड्रीज के बारे में। ये दिख रहा है आपको डायग्राम, इस डायग्राम को ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं है, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, आपको बहुत ईजी लगेगा ये भी, ठीक है। ये देखो, ये वही देखो, पूरा देखो, ये बीच में आपको दिख रहा है एक सर्कल सा ग्रीन कलर, उसमें ग्रीन कलर की एरो है जो क्या है, वेजाइनल ओपनिंग है। उसके जस्ट ऊपर एक ओपनिंग है छोटी सी, वो क्या है, यूरेथ्रा है, ठीक है। देन उसके नीचे आप जाएंगे तो सर्कल है, वो है एनस ओपनिंग, एंड ये तो ठीक है। तो अभी ऊपर आप देख रहे हो, ऊपर क्या है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। देन उसके आप साइड में, आप ऐसे करके साइड में आप आओगे, वो क्या है, इस्चियल ट्यूबरोसिटी है, ठीक है। एंड देन फिर नीचे जब आएंगे तो क्या है, कोकिस, जो ऊपर वो है कोकिस एंड सैक्रम, ठीक है। फिर इसके अंदर वो ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग हो गई, यूरेथ्रा हो गया, ठीक है, एनस ओपनिंग हो गई। अब इस ये पूरा क्या है, पूरा ऐसे शेप में है, ये क्या शेप है, डायमंड शेप है, ठीक है, ये डायमंड शेप है। इस डायमंड शेप को बीच से देखो, इसमें क्रॉस लाइन जो है, ये दोनों को मतलब हाफ हाफ ट्रायंगल की बात करिए, ठीक है। तो बीच में जो ये लाइन है, इसके जो अपर वाला जो ये वाला है अपर, ये जो अपर वाला जो हो गया है, ये अपर वाला जो है, ये क्या है, यूरोजेनाइटल ट्रायंगल। एंड जो नीचे जिसमें एनस ओपनिंग है, एनस ओपनिंग वाला जो ट्रायंगल हो गया हाफ, नीचे जो ट्रायंगल है उसको हम क्या बोलते हैं, एनल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ये था, एंड इसके बाद अब साइड में, अब इधर आप देखिए, ये डायग्राम है, ठीक है। अब देखो एंटीरियर पार्ट क्या है इसका, प्यूबिक सिम्फाइसिस इसका एंटीरियर पार्ट है, वो ऊपर सबसे टॉप में। लेटरल मतलब साइड में क्या है, इस्चियल ट्यूबरोसिटी है, लेटरल पार्ट है इसका। एंड पोस्टीरियर मतलब कि नीचे की तरफ कौन सा है, कोकिस, इसका नीचे का पार्ट है। एंड देखो शेप, वही शेप कैसी है इसकी, डायमंड शेप्ड है, ऐसे करके डायमंड शेप्ड है। और जो इस जिसके दो ट्रायंगल हैं, एक अपर वाला एक नीचे बिलो वाला, अपर वाले को हम बोलते हैं यूरोजेनाइटल ट्रायंगल, ठीक है। एंड जो एनस ओपनिंग, एनस ओपनिंग जहाँ पे है, वो नीचे वाला जो ट्रायंगल बन रहा है उसको हम बोलते हैं एनल ट्रायंगल, ओके। तो ये आज का वीडियो यहीं पे फिनिश होता है, एंड इसके आगे की वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, हम इसके आगे का पढ़ेंगे। सो अभी के लिए